2024 के अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में इलीगल माइग्रेशन का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया गया है। इस मुद्दे पे सोसाइटी डिवाइडेड है, जहां डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स क्रिमिनल्स हैं, मर्डरर्स हैं, रेपिस्ट्स हैं, उनको एलियंस बताते हैं, और वहीं कमला हैरिस इस मुद्दे पर सॉफ्टली ट्रेड करती हैं, कहती हैं कि सिस्टम ब्रोकन है और फिक्स करने की जरूरत है। मैं इस वक्त यूएस मेक्सिको बॉर्डर पे खड़ा हूं, मेरे दाएं ओर है लरेडो, ये अमरीका का आखिरी शहर है टेक्सास स्टेट में। इस साइड पर आप देख सकते हैं कि एक ब्रिज कनेक्ट करता है, ये ब्रिज लीगल क्रॉसिंग ओवर पॉइंट है, आप चल के जा सकते हैं मेक्सिको के साइड पर। वो जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो मेक्सिको में है, वो मेक्सिको का लास्ट शहर है नुएवो लारेडो। बीच में एक नदी बहती है जो ग्रांडे रियो के नाम से जानी जाती है, और एक फेंस है, इस फेंस को पार करके ही इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं अपनी जान पर, बहुत बड़ा रिस्क लेके, क्योंकि बहुत हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी इसमें से रन करती है, बड़ी बार्ब्ड वायर्स हैं। हालांकि सोसाइटी इस मुद्दे पे डिवाइडेड है, क्योंकि ये जो माइग्रेंट्स हैं ये इनकी अर्थव्यवस्था में, इनकी सोसाइटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर वॉशिंगटन डीसी, चाहे कोई भी पार्टी हो, रिपब्लिकन्स या डेमोक्रेट्स, इस मुद्दे को वाकई फिक्स करना चाहते हैं तो एक पॉलिसी डिसीजन लेना होगा। कैमरामैन संजय जैना के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, यूएस मेक्सिको बॉर्डर, टेक्सास।